हेलो 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 ओके तो वॉइस नहीं था कोई बात नहीं बात फिर से आपका स्वागत करेंगे हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लाइव स्ट्रीम में तो वेरी बच्चों कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एसर के साथ आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी तो इसी के साथ आज की शिक्षा को शुरू करते हैं तो वेरी 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 गुड इवन टू ऑल ऑफ यू एक बार जल्दी से अब बता दो ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है क्या सो दैट वी कैन स्टार्ट इज वंडरफुल सेशन इसलिए मैं स्टार्टिंग में पूछ लेता हूँ कि वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है ताकि उसको डिटेक्ट कर लिया जाए और क्लास को एक बहुत शानदार अंदाज में शुरू किया जा सके तो एप्लीकेशन के ऊपर फोर्स फोर के बच्चों ने मोल कॉन्सेप्ट को एज अ बेसिक्स पढ़ लिया था है ना मोल कॉन्सेप्ट आप लोगों को बेसिक पढ़ाया जा चुका है तीन लेक्चर हुए थे उसके बेसिक्स के लेक्चर नंबर वन बेसिक्स का लेक्चर नंबर वन लेक्चर नंबर टू एंड लेक्चर नंबर थ्री तो जो हमारे फोर्स फोर के बच्चे हैं अगर उन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोग मूल कंसेप्ट को रिवाइज करके आ सकते हैं और अगर नहीं भी किया है इलेवेंथ का थोड़ा बहुत मूल कॉन्सेप्ट भी आपको ठीक से याद है तो इस क्लास में आपको किसी प्रकार की कोई खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपका अध्याय वन है विलियन का ये न्यू एनसीआरटी के अकॉर्डिंग है मतलब जो एनसीआर काफी स्टेट्स में चलती है उस एनसीआर के अकॉर्डिंग है जैसा यूपी बोर्ड में यही एनसीआर लगी हुई है आपकी आरबीएससी एमपी पी यहाँ पर यही एनसीआर चल रही है बिहार बोर्ड के जो हमारे बच्चे हैं उन बिहार बोर्ड के बच्चों के चैप्टर नंबर टू होने वाला है बिकॉज उनके पहले ओल्ड एनसीआर थी फिर से हमारा चैप्टर नंबर वन क्यों नहीं पढ़ाया चैप्टर नंबर टू से आपने क्यों स्टार्ट किया बिकॉज बेटा एक्चुअली ऐसा है कि इन केस मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली अंदर से फीलिंग आ रहा है कि हो सकता है बिहार बोर्ड भी रिवाइज करे अपना सिलेबस तो रिवीजन की गुंजाइश के अंदर चैप्टर नंबर वन को वो हटा सकते हैं टू को नहीं हटाएंगे तो इसलिए हम लोग चैप्टर नंबर वन को थोड़ा सा सेटबैक पे लेके जा रहे हैं पहले हम लोग चैप्टर नंबर टू से स्टार्ट कर रहे हैं अगर एनसीआर आपकी ओल्ड ही रहती है तो बिहार बोर्ड के बच्चों को अलग से चैप्टर नंबर जो है वो करा दिया जाएगा और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है नो रेफर रेफर कंटेंट कंटेंट दिस ईयर आपको इस इस साल कोई भी रेफर नहीं किया जाएगा इस बार सारा कंटेंट आपके आशीष सर आपको बिल्कुल फ्रेश पढ़ाने वाले इन फिजिक्स एंड केमेस्ट्री राइट तो चलिए शुरू करते हैं <clears throat> शुरू करते हैं सो so वेलकम चलो पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक चीज यहाँ पे जो बच्चे आशा बैच के हैं हमारे और फोर्स बैच के बच्चे हैं मैं रोज़ ये करने वाला हूँ मैं रोज आपको आकर के आपका लक्ष्य याद दिलाऊंगा कि हमारे बैच के जो बच्चे हैं चाहे वो फोर्स बैच के बच्चे हों चाहे आशा बैच के बच्चे हों उनको हमेशा दिमाग में ये रखना है कि दो इम्पॉर्टेंट लक्ष्य के लिए आपने इतनी जल्दी पढ़ाई शुरू की है मैं बहुत जल्दी इस बार सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा बैंडविट मिल सके लास्ट में रिविज़न करने के लिए और जो बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे उनको भी मैं स्पेशल बैकलॉग क्लासेस के थ्रू हमारे साथ लेने वाला हूं तो एस पे आप इस बार किसी भी समय पर आकर के जुड़ेंगे आपको हमेशा बेस्ट कॉन्टेंट आप ही के हिसाब से डिजाइन किया हुआ मिलने वाला है तो ये सेशन बहुत खास है हम सबके लिए चलिए तो आशा दो हजार पच्चीस और फोर्स फोरपोटर की शुरुआत कर रहे हैं उन बच्चों को ध्यान रखना है कि उनका लक्ष्य है कि चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने इन बोर्ड्स के अंदर बोर्ड्स में आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के आने दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको एक अच्छी रैंक लेकर के आनी है जेई एंड नीट के अंदर ये आपका लक्ष्य होना चाहिए और जई नीट के लिए हमारा जेई नीट वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखना है उस पर बहुत सीरियस वे में मैं जई एंड नीट तैयारी बच्चों को करवा रहा हूं ठीक है इतना सब कुछ करने के लिए ऑब्वियसली बात है आपको पूरे साल मेरे साथ मेहनत करनी होगी और मेहनत बच्चों अच्छे से याद रखना जुनून से आती है और जुनून जो है वो जिद से आता है ना तो इसलिए सभी बच्चों के लिए हैश टैग जिद कर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन होने वाला है तो सभी बच्चे लिखेंगे हैश टैग कर इन द कॉमेंट सेक्शन हैश टैग कर इन द कॉमेंट सेक्शन बिहार बोर्ड ये चैप्टर हर बोर्ड के बच्चे के ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं है जिसने इस चैप्टर को हटा दिया हो यह हर बोर्ड के लिए है ये हर बोर्ड के लिए राइट ये हर बोर्ड के लिए बेटा ओके okay? चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग अगर आपने अभी तक भी ए के ऊपर कोई भी बैच परचेज नहीं किया ये तीन नंबर है इनके ऊपर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं अगर आपने आपको बैच परचेज करना है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं जो भी टेस्ट वगैरह होंगे वो सब एप्लीकेशन पे होंगे एक्सक्लूसिव क्लासेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब कुछ एप्लीकेशन पे होता है हमारा जिस बच्चे ने बैच ज्वाइन कर लिया है उसने टेलीग्राम ग्रुप कन्फर्मली ज्वाइन किया है एक बार चेक करना बिकॉज हर बैच का अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे ये बैच वाइज है ना ये हर बैच का अलग बना हुआ है ताकि वहाँ पे मैं आपसे पर्सनली भी बातचीत करता हूँ और वहाँ पे आपसे प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाती है आपको फीडबैक लिया जाता है ताकि आपकी पढ़ाई एकदम स्मूथली मक्खन तरीके से चल सके आपकी क्लासेज एप्लीकेशन और यूट्यूब के ऊपर मिक्स होने वाली हैं कुछ क्लासेज यूट्यूब पे होंगी मैक्सिमम क्लासेस आपके ऐप के ऊपर होंगी एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट रहेगा काफ़ी ज्यादा जितनी भी प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगी वो ऐप के ऊपर मिलेंगी जितना भी प्रैक्टिस शीट्स का सल्यूशन होगा वो आपका एप्लीकेशन के ऊपर होगा इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट तो चलिए आज की इस यात्रा को शुरू करते हैं चैप्टर नंबर टू ये आपका है ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ना मैं हर तरह से आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर टू है और चैप्टर नंबर वन है हमारा न्यू एनसीईआरटी में राइट तो चैप्टर नंबर वन है हमारी जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अंदर मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे बहुत सुंदर तरीके से हम लोग आराम आराम से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे एक एक कंसेप्ट हमारे हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए आशा बैच के हर एक बच्चे को ये क्लास अटेंड करनी होगी और मैं ये मेक श्योर करूंगा स्टार्टिंग से ही कि हर एक बच्चा हमारे साथ ढंग से पढ़ता हुआ चले एक एक डेफिनेशन आपको क्लास में लिखवाई जाएगी मैं अपने हाथों से लिखूंगा कोई पीपीटी वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ मैं हर एक डेफिनेशन अपने हाथों से लिखूंगा काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में आपको करवाऊंगा क्योंकि ये चैप्टर न्यूमेरिकल पर बेस्ड है हर तरह से आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आपके मार्क्स हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड आए राइट और आज आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी जो आज की क्लास से संबंधित होगी हम लोग फोर्स बैच में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं दे रहे होंगे पर जब जब मुझे लगेगा मैं आपको शीट जरूर दूंगा आज मुझे ऐसा है कि आज के लेक्चर के बाद आपको शीट मिलना तय है तो विलियन नाम का चैप्टर शुरू करते हैं लेक्चर जीरो वन आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं उनमें हम विलियन विले और विलायक को समझेंगे सांद्रता के पद से शुरुआत करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान आयतन, आयतन प्रतिशत आयतन प्रतिशत मोल मोलरता और मोललता इन सबको कंप्लीट करते हुए चलेंगे राइट तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं इसमें एक टॉपिक और लिख लीजिएगा सांद्रता के पद में द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत भी हम लोग लेने वाले राइट आयतन प्रतिशत भी आज हम लोग कवर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स कॉपी निकालिए लिखना शुरू कीजिए एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं जब ये चैप्टर आपका शुरू होगा यहां से शुरू हो रहा है चैप्टर सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि विलियन विले तथा विलायक क्या होता है यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है चैप्टर का नाम है सल्यूशन और ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है जैसे आप बेसिकली केमिस्ट्री को डिवाइड करेंगे ना लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखते हैं जब आप केमिस्ट्री को डिवाइड करेंगे तो केमिस्ट्री को रसायन को आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर पाएंगे जैसे एक कैटेगरी आपकी हो जाएगी फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री है ना इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक रसायन नोट करते हुए चलिएगा इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक रसायन दूसरा आपका हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन तीसरा है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे कहा जाता है अकार्बनिक रसायन तो थर्ड है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे कहा जाता है अकार्बनिक रसायन आपको जानकर के बेहद खुशी होगी कि कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन में कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं है नो न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स आपके केवल फिजिकल केमिस्ट्री में है भौतिक रसायन में और भौतिक रसायन में मोटे मोटे तौर पे आपका जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो विलियन सल्यूशन इस चैप्टर में भर भर के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं इसमें आप लोग पढ़ोगे हेलो एल्केन हेलो अरिन एलकोल फिनोल ईथर एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसमें आप पढ़ोगे आपके पी ब्लॉक हो गया डी ब्लॉक हो गया उपसंस यौगिक हो गया ये सब इसके अंदर आएगा तो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और इसलिए मेरा कहना यह है कि जब मैं इस तरह के चैप्टर्स को पढ़ा रहा हूं जहां पर न्यूमेरिकल्स हैं वहां पे आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ में जैसे कि ये चैप्टर है इस तरह के चैप्टर्स में हार्डवर्क थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगा बिकॉज न्यूमेरिकल्स में केवल सुनना नहीं होता न्यूमेरिकल्स में आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट्स लगाने होते हैं मैं इस चीज़ को मेक मेकश्योर sure करूंगा कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए आप लोग बहुत आराम आराम से टॉपिक्स को पढ़ो बट आप लोग अपनी तरफ से ये मेकश्योर sure करना कि मेरी कोई भी लाइव क्लास आपसे मिस ना हो रिकॉर्डेड कॉन्टेंट को नहीं देखना है क्योंकि रिकॉर्डेड कॉन्टेंट मजबूरी नहीं बन जाए आपकी मजबूरी होगी तो देखना है अदरवाइज हमेशा कोशिश करनी है कि आशीष सर के साथ में हम लाइव क्लास लेंगे ये कोशिश अगर पूरे साल आप बना के चलेंगे तो यकीन मानिए आप मेरे से हमेशा कनेक्टेड फील करेंगे आप एक संभाव से पूरे साल पढ़ाई कर पाएंगे और ऐसे जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा हमारे साथ आने वाला है आपने आशा की कॉपी बना ली होगी उसी कॉपी के अंदर आपको फोर्स फोर पॉइंट का काम करना है एक जगह चैप्टर का नाम लिखिए और लिखना शुरू कर दीजिए जब इस सोल्यूशन नाम के चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे फिर हम जेई की इसकी एक्स्ट्रा क्लास लेंगे वो एक्स्ट्रा क्लास लिख के आप लोग नोट कर लेना वो एक्स्ट्रा क्लास आशा बैच के बच्चों के लिए रहेगी डन इस तरीके से हम लोग पूरे साल पढ़ने वाले हैं परफेक्ट शुरू करें तो ये आपने नोट कर लिया होगा अब हम लोग देख रहे हैं विलियन विलय और विलायक क्या चीज है चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों विलियन क्या होता है सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे सल्यूशन किसको कहते हैं सल्यूशन जिसे हिंदी में विलियन कहा जाता है ये होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या होता है ये दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण सर ये समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है जैसे कभी आपने शक्कर को पानी के अंदर घोला है अगर आप शक्कर को पानी के अंदर घोलते हो तो क्या पाओगे अगर आपने शक्कर को पानी में घोला अगर आपने शक्कर को पानी में घोला तो शक्कर को पानी में घोलने के बाद आप क्या पाते हो कि जो शक्कर है वो पानी के अंदर एक समान रूप से घुल जाती है इसे कहते हैं समांगी मिश्रण आप अगर यहां से टेस्ट करेंगे अगर आप इस ये मान लीजिए घोल आपका भरा हुआ है शक्कर और पानी का आप इसको यहां से टेस्ट करिए या या फिर यहां पर संगठन देखिए और यहां पर चेक करिए दोनों ही पॉइंट पे आपको संगठन बिल्कुल सेम लगने वाला है क्योंकि जो शक्कर है वो पानी के अंदर एक समान रूप से घुल गई है वन इज इक्व टू टू जो है वो आपको फील होने वाला है तो इस प्रकार के मिश्रण को जहां पर संगठन पूरे के पूरे विलियन में एक जैसा है या पूरे के पूरे मिश्रण में एक जैसा है उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं और समांगी मिश्रण होता है आपका विलियन तो इसमें फिर एक एग्जाम्पल नहीं आएगा मिट्टी प्लस पानी कमेंट करके बताओ क्या मिट्टी प्लस पानी को अपन समांगी मिश्रण बोलेंगे क्या मिट्टी प्लस पानी को अपन विलियन बोलेंगे कमेंट करके बताओ यस और नो में क्या मिट्टी प्लस पानी आपका विलियन है यस और नो क्या मिट्टी प्लस पानी आपका विलियन है यस और नो यस और नो यस और नो कमेंट करके बताएंगे तब तक मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं चलिए नोट करिए मेरे साथ सल्यूशन की डेफिनेशन है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का दो या दो से अधिक पदार्थों का दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता समांगी मिश्रण होना चाहिए जैसे कि शक्कर प्लस पानी अब यहां पे हम लोग पॉइंट बना करके वेरी गुड आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है नहीं होगा क्योंकि अगर आप मिट्टी और पानी को देखें तो पानी जो है उसके अंदर जब आप मिट्टी को खोलेंगे तो मिट्टी नीचे आकर के बैठ जाएगी ये समांगी नहीं है अगर आपने मिट्टी अगर आपने मिट्टी और पानी को आपस में मिक्स किया वापस तो समझेंगे अगर आपने मिट्टी और पानी को आपस में मिक्स किया तो मिट्टी नीचे आकर के बैठ जाएगी ऊपर हल्के हल्के कण रहेंगे तो पॉइंट नंबर वन पे अगर आप ऊपर से देखेंगे और नीचे से देखेंगे आपको देखने में ही वो विलियन देखने में ही वो मिश्रण एक जैसा नहीं लगेगा तो सिंपल भाषा में जो मिश्रण एक जैसा हो उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं और विलियन जो है वो एक समांगी मिश्रण है विलियन जो है वो एक समांगी मिश्रण है आई बात समझ में तो विलियन की डेफिनेशन ये होती है कि जब तक समांगी मिश्रण नहीं होगा हम उसको विलियन बोल ही नहीं सकते ये बात का ध्यान रखें आप हमेशा जैसे एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर मिट्टी और पानी जो है विलियन है समांगी विलियन नहीं है नहीं एक्चुअल में विलियन हंड्रेड परसेंट समांगी ही होते हैं मतलब जो समांगी, है, on, जो समांगी मिश्रण है वही विलियन है जो समांगी मिश्रण नहीं है उसका सिंपल सा नाम है विषमांगी मिश्रण खत्म और कुछ नहीं है उसके अंदर तो ये हंड्रेड परसेंट बात को ध्यान रखना कि जो मिश्रण समांगी होगा वही विलयन कहलाएगा समझ रहे हैं इस बात का ध्यान रखें चलिए तो सेकंड पॉइंट को लिखते हैं समांगी मिश्रण के बारे में थोड़ी सी बातचीत लिखने की कोशिश करते हैं कि समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन समांगी मिश्रण में समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन प्रत्येक भाग कह लो या प्रत्येक अवयव कह लो है ना एक ही बात है आप चाहें तो प्रत्येक भाग बोल लें प्रत्येक अवयव कह लें प्रत्येक भाग कह लीजिए या अवयव कह लीजिए कोई दिक्कत नहीं है तो समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग या अवयव का संगठन एक समान होता है का संगठन एक समान होता है तो ये इंपॉर्टेंट कहानी है कि समांगी मिश्रण में हमेशा ध्यान रखें कि प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है और विलयन एक समांगी मिश्रण है 100 परसेंट इस बात को दिमाग में रखें होमोजेनियस मिक्सचर है आपका सोल्यूशन ओके मस्त आगे बढ़े चलिए आगे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं ये तो हो गया सोल्यूशन अब देखते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विले सोल्यूट तथा सॉल्वेंट थोड़ी इंग्लिश भी बेटा याद रखनी है स्टार्टिंग से आपको इसे कहते हैं विलायक देखते हैं ये क्या चीज है ना इसको चेक करते हैं आप हमेशा ये पाओगे आप हमेशा ये पाओगे कि एक अवयव बाकी सब अवयवों की तुलना में ज्यादा मात्रा में होगा आप हमेशा ये पाओगे ट्वेल्थ वाले पढ़ सकते हैं क्या बिल्कुल ट्वेल्थ का ये है ये कंटेंट आप ये देखोगे कि एक अवयव हमेशा ज्यादा मात्रा में होगा जैसे यहाँ पर पानी जो है वो ज्यादा मात्रा में है और शक्कर जो है वो कम मात्रा में है तो जो अवयव अधिक मात्रा में है जो अवयव अधिक मात्रा में है जो अवयव अधिक मात्रा में है सर्वाधिक मात्रा में वो आपका विलायक होता है तो विलायक के लिए आप क्या लिखेंगे वह अवयव वह अवयव जो सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा है तो वो अवयव वह अवयव जो सर्वाधिक मात्रा में है सर्वाधिक मात्रा में है हम उसे किस नाम से जानते हैं हम उसे विलायक के नाम से जानते हैं सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं कंसेप्ट को बेटा स्टार्टिंग से ही अच्छे से समझते हुए चलो कि जो सबसे ज्यादा मात्रा में वो आपका विलायक है डन बोले ये बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बेटा ये बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन एग्जाम में एज इट इज लिख के आएंगे कोई नंबर नहीं कटेगा वे अवे जो कम मात्रा में है जो कम मात्रा में है ये विलेय कहलाते हैं सॉल्यूट कहलाते हैं चलो एक एग्जाम्पल देता हूं जैसे मैंने कहा कि दो ग्राम शक्कर मिलाई हमने चार ग्राम नमक मिलाया हमने और हमने इसको मिला दिया हंड्रेड एम एल पानी में और लगभग आप कह सकते हो हंड्रेड एम एल का मतलब होता है हंड्रेड ग्राम पानी के लिए वन ग्राम इज इक्वल टू वन एम एल होता है पानी के लिए चलता है तो अब इन तीनों में से कौन विलियन कौन आपका विलय है कौन आपका विलायक है अब ध्यान से देखिए सर्वाधिक मात्रा में कौन है सर्वाधिक मात्रा में पानी है तो पानी आपका हो गया विलायक और कम मात्रा में जो है ये दोनों ये दोनों आपके क्या हो गए विलय हो गए इसलिए मैंने लिखे वे अवयव बारह साल से पढ़ाने का अनुभव होने के कारण मेरी लैंग्वेज को हमेशा सीरियसली लिया करो लैंग्वेज को हमेशा सी एस टी लिया करो बिकॉज मैं लैंग्वेज का सिलेक्शन बहुत अच्छे से करता हूँ मैंने लिखा है वे मतलब एक से से ज्यादा ज्यादा भी भी हो हो सकता है तो विले एक एक सकते हैं बट विलायक हमेशा एक ही होता है जो सबसे ज्यादा मात्रा में है वो आपका विलायक है अब कक्षा टेंथ में इसकी एक डेफिनेशन पढ़ी थी आपने वो भी लिख देता हूं यहां पे बच्चों वाली डेफिनेशन कि जिसमें मिलाते हैं जिसमें मिलाते हैं वो विलायक होता है जिसमें, जिसमें मिलाते हैं वो विलायक होता है और जिसको मिलाते हैं वो विलय होता है ये डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं जिसको मिलाते हैं वो विलय होता है जिसको मिलाते हैं जिसको मिलाते हैं वो विलय होता है ऐसा ये बच्चों वाली डेफिनेशन है बाकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको दे दी कि जो कम मात्रा में वो विलय है जो सर्वाधिक मात्रा में वो आपका विलायक है एक बात और बता सकते हो मेरे को एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था 2018-19 में मेरे पास एक कमेंट आया था वो सवाल मैं तुमसे भी पूछता हूं एक गिलास पानी में मैंने थोड़ी सी शक्कर मिलाई और घुमा दिया शक्कर विले पानी विलायक शक्कर की मेरे पास बोरी है बीस किलो की शक्कर की बोरी है उसमें मैंने एक गिलास पानी डाल दिया अब मुझे बताओ कौन विले कौन विलायक कमेंट करके मेरा सवाल समझ में आया एक गिलास पानी में मैंने दो चम्मच शक्कर मिलाई घोल दिया तो शक्कर विले कम में, मात्रा में पानी ज्यादा मात्रा में पानी विलायक हो गया मैंने शक्कर की बोरी ली और शक्कर की बोरी में मैंने बाहर से एक गिलास पानी डाल दिया अब बताओ कौन मिले कौन विलायक जब शक्कर की बोरी में आप एक गिलास पानी डालोगे तो विलियन का ही निर्माण नहीं होगा क्योंकि विलियन होता है समांगी मिश्रण एक गिलास पानी आप डालोगे थोड़े हिस्से में शक्कर गीली हो जाएगी बाकी जगह ठोस रहेगी एक समान मिश्रण बन ही नहीं पाएगा तो जब एक समान मिश्रण बनेगा ही नहीं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट ही पैदा नहीं होता तो इसलिए अगर शक्कर के बोरे में पानी डाल करके तुम ये सोचते हो कि पानी कम है तो वो विलय हो गया तो गलत सोचते हो क्योंकि तो विलियन बना ही नहीं भाई विलन का मतलब होता है हर जगह एक जैसी स्थिति हो तो यहां तो विलियन बनी नहीं पाया आपने जहां गीला किया हल्का फुल्का शक्कर गीली हो जाएगी जैसे जब आप गिलास के अंदर पानी लेके उसमें शक्कर डालते हो तो हर जगह एक जैसा विलियन बनता है ना वो चीज़ जब आप बोरी में पानी डालोगे तो नहीं हो पाएगी वहां विलियन का निर्माण नहीं होगा तो ये सवाल जो है वो अपने आप में निरस्त हो जाएगा आप आंसर ऐसे देंगे कि सर यहाँ पे तो विलियन ही नहीं बन रहा तो विलय विलायक का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता जब यहाँ पे विलियन ही नहीं बन रहा तो विलायक का प्रश्न ही पैदा नहीं होता सही है डन है तो ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया विलियन विलय और विलायक का उम्मीद करता हूँ आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा अगर आया तो फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में हैश मक्खन लिख दीजिए जल्दी से तो हैश मक्खन इन द कमेंट सेक्शन फटाफट हैश टैग मक्खन इन द कमेंट सेक्शन चलिए आगे बढ़ते हैं मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ ये एक गिलास है इस गिलास के अंदर आ, दस एम एल पानी है मैंने इस दस एम एल पानी में पाँच ग्राम शक्कर मिलाई और इसी दस एम एल पानी में एक गिलास और लिया उस गिलास के अंदर मैंने 20 ग्राम शक्कर मिलाई इन दोनों में फर्क क्या आएगा जब यहाँ जो विलियन बनेगा और तो इतना मीठा मत करो एक काम करो 8 ग्राम अपने शक्कर मिलाई ऐसा कर लो ठीक है 8 ग्राम शक्कर मिलाई ठीक है अब मुझे बताओ ग्लास वन और ग्लास टू में फ़र्क किस बात का होगा अब ऑब्वियसली बात बोलेंगे कि सर ग्लास वन का पानी कम मीठा होगा और ग्लास टू का पानी ज़्यादा मीठा होगा ये फर्क होगा सर आपने ज़्यादा शक्कर मिला दी ना यहाँ पे तो ये वाला ज़्यादा मीठा हो जाएगा ये वाला कम मीठा होगा और अगर मैं साइंस की भाषा में सोचूं अगर मैं साइंस की भाषा में सोचूं तो हमें एक विलियन से दूसरे विलियन को पृथक करने के लिए या एक विलियन के विले विलायक के संबंध को बताने के लिए या एक विलियन में कितना विले उपस्थित है कितना विलायक है इस सब की जानकारी देने के लिए कुछ पदों की आवश्यकता होती है कुछ टर्म्स की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि तो हम ऐसे तो बोल नहीं सकते कि ये कम मीठा है और ज़्यादा मीठा है तो हमने कहा कि यार जब भी अपन विलियन बनाते हैं ना तो इतना तो हमें पता है कि हम विलय को विलायक के अंदर मिलाते हैं सही बात है पर हमने कितना विलय मिलाया विलायक के अंदर कितना विलियन बना इन सबकी जानकारी देने के लिए हमें कुछ टर्म्स को डिफाइन करना जरूरी है हमें कुछ पद बनाने पड़ेंगे और उन पदों को कहा गया सांद्रता के पद मतलब इन दोनों में इन दोनों ग्लासों के अंदर जो विलियन है उनमें जिस चीज का फर्क है वो है सांद्रता का अंतर सांद्रता का अंतर है साध्रता का मतलब होता है गाढ़ापन हल्की भाषा में बात कंसंट्रेशन गाढ़ापन मैं आपको यह भी बोल सकता हूं कौन ज्यादा गाढ़ा है यह वाला तो इसकी सांद्रता ज्यादा होगी इसकी कम होगी एक बात दूसरी बात इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन तो हर एक विलियन की कंसंट्रेशन बताने के लिए हर एक विलियन में कितना विलय उपस्थित है कितना विलियन उपस्थित है कितना विलियक उपस्थित है यह सब बताने के लिए कुछ पदों को डिफाइन किया गया केमिस्ट्री में और उन्हें कहा गया सांद्रता के पद तो एक छोटी सी लाइन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि एक विलियन में एक विलियन में विलय विलायक की आपेक्षिक मात्रा एक विलियन में विलय विलायक विलय तथा विलायक की मात्राओं विलय तथा विलायक की मात्राओं में परस्पर संबंध परस्पर आवश्यकता अनुसार संबंध स्थापित करना आवश्यकता अनुसार संबंध स्थापित करने संबंध स्थापित करने से बने पद संबंध स्थापित करने से बने पद क्या कहलाते हैं सांद्रता के पद कहलाते हैं सांद्रता के पद कहलाते हैं और ये खूब सारे होते हैं मतलब आप ये देखोगे कि, कि सांद्रता के जो पद हैं वो खूब सारे होते हैं तो हम एक एक करके हमारे सांद्रता के पदों का अध्ययन करना शुरू करते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन है बेटा कि सांद्रता के पदों को आखिर परिभाषित करने की आवश्यकता क्या पड़ी डने यहां तक आगे बढ़े अब हम सांद्रता के पद में सबसे पहला पद पढ़ने जा रहे हैं वो है द्रव्यमान प्रतिशत तो सांद्रता के पद में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत अब ध्यान से समझना द्रव्यमान प्रतिशत क्या चीज है देखो बेटा मान लेते हैं आपने एक विलियन बनाया उस विलियन में विले आपका ए है और विलायक आपका बी है सही बात है ऐसा है मतलब ए आपका बी आप आपका विलायक है आपने इस विलियन को बनाने के लिए क्या किया आपने इस विलियन को बनाने के लिए ए को मिलाया एम ए और बी को मिलाया एम बी मतलब ए का जो द्रव्यमान है ए का जो द्रव्यमान है वो है एम ए दो ग्राम दस ग्राम पंद्रह ग्राम जितना भी है ए का मतलब क्या है विले तो विले का द्रव्यमान कितना है मान लेते हैं एम ए है और बी का द्रव्यमान जो है वो मान लेते हैं एम बी है अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि विलियन का द्रव्यमान कितना होगा क्या कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो सर ये तो बहुत आसान सवाल पूछ रहे हो आप अगर आप बोल रहे हो कि विलय आपका ए है और उसका द्रव्यमान एम ए है अगर आप बोले हो कि विलायक आपका बी है और उसका द्रव्यमान एम बी है तो इसका मतलब विलियन का द्रव्यमान हो गया दोनों को मिलाने से बन रहा है विलियन तो विलियन का द्रव्यमान होगा विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान सही कह रहे हो सर विलियन का द्रव्यमान होगा विलेय का द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान सही बात है सर ये बात तो आप सही कह रहे हो तो जब हम बात करते हैं तो कैसे लिखेंगे एम ए अपॉन एम एम ए प्लस एम बी ऐसे लिखेंगे भाई विलय का द्रव्यमान एम ए है विलायक का एम बी है तो एम ए प्लस एम बी हो जाएगा तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि द्रव्यमान प्रतिशत को कैसे डिफाइन किया गया है द्रव्यमान प्रतिशत को परिभाषित किया गया है विलय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विले का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलियन का द्रव्यमान इन टू हंड्रेड इसको आप अपनी कॉपी में एज अ फॉर्मूला नोट करिए अभी इस फॉर्मूले के मतलब भी समझेंगे कि ये ऐसा क्यों है तो द्रव्यमान प्रतिशत हो गया विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलियन का द्रव्यमान टू हंड्रेड इसको नोटेशन में अपन कैसे बोलते हैं हम इसको नोटेशन में कैसे बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट ऐसे इसको लिखते हैं ये होता है विले का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलियन का कुल द्रव्यमान गुना हंड्रेड इसको इस प्रकार से लिखा जाता है अब एक बात का जवाब दो मुझे मैं आपको रफ चीजें काफी समझाता हुआ चलना चाहता हूँ आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं रफ में मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि आपको मैंने एक टेस्ट दिया टेन मार्क्स का टेन मार्क्स का टेस्ट था और हमारे जो मोहन बच्चा है इस मोहन के नंबर आए हैं उस टेस्ट में आठ नंबर मोहन की परसेंटेज कितनी है कैसे निकालते हो सवाल को वापस समझो मैं ऐसा कह रहा हूं कि जो आपका आ, जो आपका टेस्ट है वो टेन मार्क्स का टेस्ट है टेन मार्क्स के टेस्ट में आपका मोहन जो है वो एट मार्क्स लेकर के आता है परसेंटेज बतानी है परसेंटेज का मतलब ये होता है हंड्रेड तो कैसे करेंगे आप आप बोलेंगे मोहन जो मार्क्स लेकर के आया डिवाइड बाय टोटल तो तो कितने मार्क्स का पेपर था मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो यहां से परसेंटेज आ गई एट्टी परसेंट मतलब पेपर अगर सो नंबर का हुआ होता तो हमारा मोहन अस्सी नंबर लेकर के आता आपका पेपर दस नंबर का था तो आठ लिया आया। अगर हमारा पेपर 100 नंबर का होता तो हमारा मोहन अस्सी नंबर लेकर के आता अब द्रव्यमान प्रतिशत को भी उस तरीके से सोचिए आपका विलय का, का द्रव्यमान कितना है एम एम ए द्रव्यमान किसमें उपस्थित है एम ए प्लस एम बी विलियन में उपस्थित है तो अगर आप एम ए डिवाइड बाय ए प्लस एम बी इंटू हंड्रेड कर रहे हो इसका मतलब आप ये चीज कैलकुलेट कर रहे हो कि अगर विलियन का हंड्रेड ग्राम भार हो तो आपका उसमें विलय कितना होगा वापस से कमाउंड जब आपने आठ नंबर का दस नंबर का पेपर दिया आपके मोहन के आठ नंबर आए तो जब आप एट डिवाइड बाई टेन इंटू हंड्रेड कर रहे हैं तो आप वास्तव में ये जानना चाह रहे हैं कि अगर सो नंबर का पेपर होता तो मोहन के नंबर कितने आते सही बोल रहा हूं तो आपका विलय जो है एम उपस्थित है एमए प्लस एम बी विलियन में तो अगर आप एम ए अपॉन एम ए प्लस एम बी इन टू हंड्रेड कर रहे हो इसका मतलब आप यह जानना चाह रहे हो कि हंड्रेड ग्राम अगर आपका विलियन होता तो आपका विलय कितना उपस्थित होता तो हंड्रेड ग्राम विलियन में विलय के कितने ग्राम उपस्थित हैं आप इसके लिए फॉर्मूला बना रहे हो और इसे कहा जाता है द्रव्यमान प्रतिशत क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको तो इसकी परिभाषा को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि किसी विलय पदार्थ के किसी विलय पदार्थ के किसी विलय पदार्थ के मतलब विलय पदार्थ की बात किसकी हो रही है एक ही बात हो रही है ना किसी विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या भार भागों की वह संख्या तो 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 वह संख्या मतलब किसी विलय पदार्थ के ग्राम में भार भागों मतलब ग्राम में वह संख्या जो विलियन के 100 ग्राम जो विलियन के जो विलियन के सौ ग्राम भार भागों में उपस्थित है 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हैं द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है इसके फॉर्मूले का फील लेने के लिए मैं थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल देता हूँ ये मोहन वाले से अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ एक बार अगर इसका फील आ गया तो आगे का सब कुछ आपको आसान लगेगा जैसे मान लो पांच ग्राम आपका विलय उपस्थित है विलय है दस ग्राम विलियन में समझना बात को तो। यह आपको दे रखा है और आपको कह रहे हैं कि परसेंटेज वेट बाय वेट निकालो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कॉमन सेंस से करते हैं फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। आपको कहा गया है कि पांच ग्राम विलय उपस्थित है दस ग्राम विलियन में परसेंटेज निकालिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है इस पर आते हैं सर परसेंटेज का मतलब होता है कि अगर हंड्रेड ग्राम विलियन होता तो कितना विलय होता यह आपको निकालना है जैसे मोहन का पेपर तो दस नंबर का ही था उसके नंबर आए थे आठ पर अगर हम मोहन की परसेंटेज पूछ रहे हैं तो मोहन की परसेंटेज पूछने का मतलब यह है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हंड्रेड मार्क्स का पेपर होता तो हमारे मोहन का स्कोर कितना होता क्या मैं सही कह रहा हूं यस सर तो पांच ग्राम मतलब अब ध्यान से देखना दस ग्राम विलियन में मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं हम ये जानना चाह रहे हैं कि सौ ग्राम विलियन में कितना विलय होगा सौ ग्राम विलियन में जितना विलय उसका परसेंटेज है सिंपल उसको हवा में सॉल्व करते हैं हमें दे रखा है कि 10 ग्राम विलियन में 10 ग्राम विलियन में 5 ग्राम विलय है राइट और हमें कितने में निकालना है 100 में तो एक ग्राम विलियन में कितना विलय होगा सोचो अगर 10 ग्राम विलियन में 5 ग्राम विलय है तो एक ग्राम विलियन तो में कितना होगा पांच बटा दस ग्राम विलय होगा सही बात है अगर एक ग्राम विलियन में पांच बुटा दस ग्राम विलय है दस पांच पेन की कीमत पच्चीस रुपए तो एक पेन की कितनी होगी पच्चीस बुटा पांच अब आपको सौ पेनों की चाहिए तो एक पेन की कीमत आ चुकी है सौ की चाहिए सो से गुणा कर दो तो यहां पे आप चाहते हो कि सौ ग्राम विलियन में कितना विलय होगा तो सौ ग्राम विलियन में विलय निकालने का मन है तो आप एक ग्राम का आपको पता है उसको सौ से गुणा कर दो यह आएगा दैट इज इक्व टू फिफ्टी परसेंट अब आप इस कॉमन सेंस से अप्लाई किए हुए कंसेप्ट को उठा करके देखो ये क्या लिखा हुआ है ऊपर है विले का भार नीचे है विलियन का भार गुना हंड्रेड यही तो फॉर्मूला है तो इसका मतलब फॉर्मूला बाद में आता है कंसेप्ट पहले आता है कि अगर हमको यह पता लगाना है कि सो ग्राम में कितना है तो विलय का भार डिवाइड बाय विलियन का भार मल्टीप्लाई बाय सो कर लेंगे सिंपल जैसे यहां पे परसेंटेज निकालनी है तो कितने मार्क्स आए डिवाइड बाय कितने नंबर का आपका पेपर था मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कर लेंगे दिस इज द फीलिंग ऑफ टॉपिक ये टॉपिक की फीलिंग है ये बहुत छोटा फॉर्मूला है मैं चाहता तो इसको ऐसे निकाल देता बट इस फॉर्मूले का मतलब क्या है वो हमें समझ में आना चाहिए ओके okay? इस फॉर्मूले का रियल मीनिंग क्या है कैसे निकल के आया वी मस्ट नो अबाउट दैट हमें पता होना चाहिए ओके okay, बच्चा चलिए अब आप एक काम करेंगे अब आप इस सवाल को लगाएंगे ये सवाल आपके सामने सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे हम लोग साथ साथ, साथ सवाल लेते हुए भी, भी चल रहे हैं इसे हम लोग टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन कहते हैं टी आर क्यू का मतलब होता है टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन ये आपके दिमाग को आपके ब्रेन को डेवलप करने के लिए होता है ताकि साथ, साथ आप समझें बीस ग्राम शर्करा को अस्सी ग्राम जल में घोला गया है तो आप ध्यान से समझें कि क्या बोलना चाह रहा है वो बीस ग्राम शर्करा को दस ग्राम जल में घोला है मतलब आपका जो विलय है वो आपका शर्करा है बीस ग्राम और उसको आपके विलायक में डाला गया है विलायक आपका है अस्सी ग्राम थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे इसको हमेशा न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन से स्टार्ट करना है कभी भी न्यूमेरिकल को अपन आंसर से स्टार्ट नहीं करते क्योंकि आंसर लास्ट में आने वाला है हमें विलेय का भार कितना दे रखा है हमें विलेय का भार आप ऐसे लिखेंगे एग्ज़ाम में किस तरह से पेपर में लिखना है बता रहा हूँ आप लिखेंगे ऐसे दिया है विलेय का भार इज़ इक्वस टू कितना दे रखा है ट्वेंटी ग्राम आप लिखेंगे विलय का भार क्या होता है एमए जिसको हम एमए से प्रदर्शित कर रहे हैं आप लिखेंगे विलायक का भार 80 ग्राम जल में घोला है ना आप खुद भी ट्राई करो कॉपी में आप ऐसे लिखेंगे विलायक का भार विलायक का भार एम कितना है अस्सी ग्राम विलियन का भार कैसे लिखते हैं आप चाहें तो विलियन का भार लिखें अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है सीधा आप आ जाए फॉर्मूले कि अब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है सॉरी परसेंटेज वेट बाय वेट का फार्मूला क्या है परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है आप चाहें तो पूरा फॉर्मूला लिखें एग्जाम में ताकि पूरे नंबर मिलेंगे मैं आपको साथ साथ तरीका भी सिखा रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिखना कैसे तो आप लिखेंगे विलय का भार विलय का भार मतलब द्रव्यमान घबराना नहीं है ये फिजिक्स नहीं है जहां एम आ जाएगा ये सिंपल है विलय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलियन का द्रव्यमान विलय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलियन का द्रव्यमान गुणा आप लोग कर लेंगे हंड्रेड सही है विलय का द्रव्यमान कैसे देखेंगे एम आपका विलय का द्रव्यमान हो गया विलियन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा एम ए प्लस एम बी विलियन के द्रव्यमान में दोनों आएंगे गुणा हंड्रेड वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग तो परसेंटेज ढंग से करना है सवाल को हमेशा एग्जाम में नंबर उसी चीज़ के मिलते हैं तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का सवाल आप कर रहे हैं तो एम का मान कितना है ट्वेंटी डिवाइड बाय विलियन का द्रव्यमान कितना होगा विलय प्लस विलायक तो ट्वेंटी प्लस एट्टी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो ये आपका आ रहा है ट्वेंटी डिवाइड बाय हंड्रेड इंटू हंड्रेड हंड्रेड से हंड्रेड आपका कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया ट्वेंटी प्रतिशत पीछे आप ऐसे लिख देंगे वेट बाय वेट इस तरह से एग्जाम में लिखना आना चाहिए पूरे में से पूरे नंबर लेके आने अपन को तो ट्वेंटी परसेंट वेट बाई वेट इस तरह से लिखेंगे लास्ट में आपका आंसर निकल कर के है तो इसके साथ आप ऐसे लिख देंगे आंसर यहाँ आपका आंसर आया यहां से तो आपने सोल्यूशन किया है डर है कुछ गलती कर दी क्या मैंने सब कुछ ठीक तो है इस तरह से आप सवाल को करेंगे इस तरह से आप सवाल को करेंगे परफेक्ट है अच्छा लगा आपको चलो ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा वैसे डीपीपी भी मिलेगी आपको बट फिर भी इस सवाल को आप घर पर ट्राई करेंगे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे ये सवाल इससे मिलता जुलता है इस सवाल को आप लोग करेंगे चलिए अब आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इससे पहले एक मिनट सर ने आयतन प्रतिशत लिया है कोई बात नहीं अब आता है आयतन प्रतिशत ठीक है अब इसमें अपन देखते हैं एक चीज आयतन प्रतिशत आयतन प्रतिशत अब आपको आसान लगेगा आयतन प्रतिशत इसको समझने की कोशिश करते हैं आयतन प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज और इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं परसेंटेज वी बाय वी ऐसे इसको प्रदर्शित करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है इसका मतलब सिंपल है अगर आपके पास द्रव्यमान है तो आप द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे अगर आपके पास द्रव्यमान है अगर आपके पास द्रव्यमान है तो आप द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे अगर आपके पास आयतन है तो आप आयतन आयतन प्रतिशत निकालेंगे ये कुछ उस तरह से आपस में कनेक्टेड है ये कुछ उस तरह से आपस में कनेक्टेड है जैसे आपके पास दो लोगों को आपने मिलाया ए का आयतन वी ए है और बी का आयतन आपका वी बी है जो ए है वो आपका विलय है फॉर एग्जाम्पल और बी जो है वो आपका विलायक है तो यहां हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं मैं समझाता हूं अगर आप परसेंटेज आयतन प्रतिशत पे आते हैं परसेंटेज आयतन प्रतिशत निकालते हैं तो विलय विलायक के लिए इसको कैसे डिफाइन किया हुआ है विले का आयतन पैटर्न समझो विले का आयतन डिवाइड बाय विलियन का आयतन विले का आयतन विले का आयतन डिवाइड बाय विलियन का आयतन इनटू हंड्रेड तो विले का आयतन डिवाइड बाय विलियन का आयतन इंटू हंड्रेड ऐसे हम लोग कर रहे होंगे तो यहां पे इसको कैसे लिखेंगे सिंपल ए वी ए डिवाइड बाय प्लस वी बी इंटू हंड्रेड दैट्स इट यह आपका हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वो, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है बहुत सिंपल चीज है डेफिनेशन क्या होगी हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि एम एल विलियन में कितना विलय उपस्थित है 100 एम एल विलियन में कितना विलय उपस्थित है तो जैसे यहां पर आपने डेफिनेशन देखा बेटा यहां पे क्या था यहां पे आपने समझा कि विलय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलियन का द्रव्यमान इंटू हंड्रेड कर रहे हैं इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं आपके द्रव्यमान प्रतिशत के लिए तो द्रव्यमान प्रतिशत के साथ तो साथ अगर आप आयतन आप प्रतिशत निकाल रहे हो तो आयतन प्रतिशत में आपको क्या करना रहेगा आयतन प्रतिशत में आपको निकालना रहेगा आयतन प्रतिशत में आपको निकालना रहेगा आयतन का डिवाइड बाय विलियन का आयतन इन हंड्रेड तो वहां पे द्रव्यमान था यहां पे क्या आ चुका है आयतन आ चुका है तो वहां पर द्रव्यमान था यहां पे आयतन हो चुका है आ रहा है समझ में कोई भी समस्या नहीं है आगे बढ़ सकते हैं चलो अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ठीक है हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ये क्या चीज होती है बहुत सिंपल है आपको धीरे धीरे पैटर्न समझना है और कुछ नहीं करना इसको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं क्या बोलते हैं इसको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं आपको सब समझ में आ जाएगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ध्यान से देखिएगा विले का द्रव्यमान विले का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलियन का आयतन विलियन का आयतन इन टू हंड्रेड सर ये क्या हो रहा है इसकी जरूरत कहाँ है एक बार बताओ आप लोगों ने कभी कोई दवाई देखी है जैसे मैं आपको बताता हूँ बचपन में क्या होता है ना अभी जैसे हमारे घर में छोटा सा बेबी है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक छोटा सा बेबी है चीकू मेरे बेबी का नाम है चीकू तो चीकू क्या है नोज़ ब्लॉक हो जाती है उसकी इसको कहते हैं नाक का बंद होना तो म्यूकस आता है ना तो उससे नाक बंद हो जाती है ठीक है उसके लिए डॉक्टर ने उसको नाक में डालने के लिए एक सलाइन दिया है सलाइन का मतलब क्या है एक एक उसने उन्होंने एक पो दिया है ऐसा एक नोजल सी होती है और उससे नाक में डालना होता है उसको सलाइन को मैं कल उस सलाइन के पीछे कुछ लिखावा पड़ रहा था तो सलाइन के पीछे लिखा हुआ था पॉइंट सिक्स परसेंट वेट बाय वॉल्यूम एनएसीएल क्या लिखा हुआ था पॉइंट सिक्स परसेंट वेट बाय वॉल्यूम एनएसीएल अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब आपके इस चैप्टर से कनेक्टेड है जैसे कहीं पे अब मैं आपको आशीष सर का मेन कैप्सूल दे रहा हूं जो आपको सब कुछ समझाने में हेल्प करेगा जैसे कहीं पे लिखा हो फाइव परसेंट वेट बाय वेट तो हमें पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है फाइव परसेंट वेट बाय वेट का मतलब होता है फाइव परसेंट वेट बाय वेट का मतलब होता है पांच ग्राम विलय उपस्थित है पांच ग्राम विलय उपस्थित है हंड्रेड ग्राम विलियन में मतलब आपने ऐसा कोई विलियन बनाया है जो हंड्रेड ग्राम अगर आप विलियन लोगे तो उसमें आपको पॉइंट फाइव फाइव परसेंट विले है मतलब पांच ग्राम विले उपस्थित है अगर लिखा हो बोटल के पीछे फाइव परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मैं बताता हूं आपको ये कहाँ लिखा हुआ मिलेगा भगवान करें आप उस जगह कभी नहीं पहुंचो बट अगर जैसे आपने कोई कफ़ सिरप आप लेते हो कफ़ सिरप पिए कभी जब बीमार होते हैं तो कफ सिरप के ऊपर उस बोतल के पीछे लिखा होता है पढ़ने की कोशिश करना पॉइंट फाइव परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल उसमें थोड़ी एल्कोहल होती है जो आपको हल्का हल्का नशा देती है इसलिए आपको नींद आती है तो इसका क्या मतलब है जैसे कहीं लिखा है फाइव परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इसका मतलब है पाँच एम एल उपस्थित है पांच एम एल विलय उपस्थित है सो एम एल विलियन में पांच एम एल विलय उपस्थित है सो एम एल मिलियन में यह इसका मतलब होता है कहीं पर लिखा हुआ है पांच परसेंट वेट बाय वॉल्यूम पता है इसका मतलब क्या है पांच वेट वेट का मतलब विलियन ग्राम में है पांच ग्राम विलेय उपस्थित है पांच ग्राम विलेय उपस्थित है हंड्रेड एम एल विलियन में अभी मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं अगर चीकू की बोतल के पीछे लिखा हुआ है कि पॉइंट सिक्स परसेंट वेट बाय वॉल्यूम एनएसियल इसका मतलब क्या है उस बॉटल में पॉइंट सिक्स ग्राम एन है सो एम एल विलियन में क्या यह मतलब है इसका? तो है इसका क्योंकि तो वो लिक्विड पर उसके अंदर ग्राम नमक घोला हुआ है ये इसका मतलब होता है अगर कफ सिरप के ऊपर लिखा हुआ है पॉइंट फाइव वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल इसका मतलब इसका मतलब है पॉइंट फाइव एम एल एल्कोहल है हंड्रेड एम एल सिरप में ये इसका मतलब है तो सांद्रता के पदों का वास्तविक जीवन में क्या प्रयोग है उसको लिंक कर पा रहे हो आप मेरे कहने के बाद अब आज आप लोग क्या करोगे आपके मैथमेटिक्स क्लास होने वाली आप आज क्या करोगे अपनी बॉटल्स देखना जाकर के घर में आपके कफ सिरप पड़ी होगी उसके पीछे घुमा के देखना ऐसे लिखा होता है पॉइंट फाइव परसेंट ये है ये है ये है वेट बाय वॉल्यूम है क्या कौन सा क्या है चेक करना उसको घर में दवाइयां पड़ी होंगी हर घर में दवाई होती है घर में जाके चेक करना आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो कोई भी प्रोडक्ट उसके पीछे स्पेसिफिकेशंस होते हैं वहां चेक करना कितने बाय कितने परसेंटेज में क्या मिला हुआ है आपको पता चल जाएगा तो कोई भी लिक्विड आप दे आप एक काम करना रिफाइंड ऑयल उठा लेना अपने घर में ऑयल का डब्बा होता है ना ऑयल का डब्बा उठाना उसको पीछे देखना उसमें क्या लिखा हुआ है उसमें भी

आयतन भागों की संख्या जो विलियन के 100 एमएल में उपस्थित है यह हो जाएगा आयतन प्रतिशत द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की डेफिनेशन क्या होगी? किसी पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 100 एमएल में उपस्थित है तो दोनों जगह ग्राम आएगा तो आपका द्रव्यमान प्रतिशत है दोनों जगह एम आएगा आयतन आएगा तो आयतन प्रतिशत है एक तरफ भार और एक तरफ आयतन आएगा तो वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है क्या मेरी बात को समझ रहे हैं सभी बच्चे एक बार एक क्वेश्चन करते हैं इसको ध्यान से देखेंगे 20 एम एल एथेनॉल एक सौ जल में घुला हुआ है एथेनॉल का आयतन प्रतिशत निकालना है तो परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है आपके आ, जो विले का आयतन है डिवाइड बाय जो विलियन का आयतन है गुणा हंड्रेड सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे बीस एम एथेनॉल मतलब ये आपका विलेय है 160 ml जल में मतलब ये आपका विलायक है मतलब ये आपका VA हो गया ये आपका VB हो गया तो इस बार मैं पूरा नहीं लिख रहा बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं पूरा लिखना मैंने आपको सिखा दिया है तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे दोस्तों वॉल्यूम ऑफ A कितना दे रखा है अपन को 20 ml डिवाइड बाय 20 160 100 ऐसे कर रहे होंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा ट्वेंटी डिवाइड बाय वन एटी इंटू हंड्रेड ऐसे हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया ये आ गया नाइन तो ये आ गया हंड्रेड डिवाइड 9 नाइन तो ये हो जाएगा नाइन जा नाइन उसके बाद ज़ीरो आएगा नाइन जा नाइन उसके बाद नाइन जा नाइन उसके बाद आप डिवाइड करेंगे तो हंड्रेड डिवाइड बाय नाइन से आप चलेंगे तो पहले वन आएगा फिर जीरो आएगा फिर वापस से नाइन आएगा ये चलता रहेगा तो इस प्रकार से आपका आयतन प्रतिशत जो है यहां पर निकल करके आने वाला है बताएं कर लेंगे हाँ पॉइंट सॉरी जीरो क्यों आएगा इलेवन आएगा ना स्टार्टिंग में इलेवन पॉइंट नाइन ऐसा आएगा वनजा वन जा वन जा वन फिर वही चलता रहेगा इलेवन पॉइंट वन चलता रहेगा इलेवन पॉइंट वन, वन परसेंट ये रहेगा हाँ ठीक है इस तरह से करेंगे इलेवन पॉइंट फाइव नहीं पॉइंट वन आएगा है ना, 100 ना <coughs> तो हंड्रेड डिवाइड 9 करेंगे नाइन वन जो नाइन वापस टेन बचा नाइन वन जो नाइन फिर पॉइंट लग जाएगा फिर वो चलता रहेगा च, और भी आगे चलेंगे तो इलेवन पॉइंट वन 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 इस तरह से चलता रहेगा लगभग हाँ इसका राउंड ऑफ भी करेंगे तो इलेवन पॉइंट वन जाएगा तो ये इलेवन पॉइंट वन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्म में इसका क्या आएगा आंसर आएगा कर पाएंगे इस सवाल को एक सवाल और देख लेते हैं दस ग्राम यूरिया को जल में घोल करके कुल आयतन को पांच सौ एम एल किया गया ध्यान से समझना यहां से समझना इस फॉर्मूले में क्या है इस फॉर्मूले में विलियन का आयतन है नीचे जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है ना इसमें यहां पे विलियन का आयतन है इस फॉर्मुले को हमेशा ध्यान रखना आप इसमें हमेशा विलियन का आयतन हम लोगों को यूज करना रहता है बस मैं फ्री कर रहा हूं आपको दो मिनट में मुझे पता है आपकी आशा जेई की क्लास है मैथमेटिक्स की तो यहां पर आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालेंगे तो वो कैसे आएगा यहां पर विलय का द्रव्यमान यहां पर विलय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलियन का आयतन होने वाला है है ना नीचे क्या होने वाला है बेटा नीचे विलियन का आयतन होने वाला है गुणा में आपका हंड्रेड होने वाला है करें इसको सॉल्व तो विलियन का द्रव्यमान कितना है दस विलियन का आयतन कितना है पांच सौ एम एल कह रहे ना कि जल में घोल करके कुल आयतन तो कुल आयतन का मतलब है ये विलियन का आयतन की बात कर रहा है कुल आयतन मतलब विलियन के आयतन की बात कर रहा है तो डिवाइड बाय फाइव हंड्रेड इन टू हंड्रेड दिस कम्स आउट टू बी फाइव दैट इज इक्व टू टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ये आपका आंसर हो जाएगा क्या लैंग्वेज में आप अच्छे से लिख लेंगे इस सवाल को एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे क्या ये तीनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई मेरे पढ़ाने पे आज थोड़ा सा हम लोग क्लास की रेस्ट्रिक्शन है आगे आपकी एक और क्लास है तो आज के टॉपिक्स में हम लोगों ने यहां तक तो फिनिश कर लिया है ना नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं ये अपन ने फिनिश कर लिया अच्छे से ये हमारा फिनिश हो गया राइट ये तीन चीजें हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास के लिए लेके चल रहे हैं आपको एक डीपीपी मिल जाएगी प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी उस प्रैक्टिस शीट में इन तीन टॉपिक के क्वेश्चन कर लीजिएगा मोलंश मूलरता मो और मूलरता छोड़ सकते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे बाकी एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने आज क्या पढ़ा और फिर आप लोगों को मैं मैथमेटिक्स की क्लास के लिए भेज दूंगा क्योंकि तो सर आपका वेट भी कर रहे होंगे जेई वाले चैनल के ऊपर हम लोगों ने जस्ट अभी हमारे कंसेप्ट को स्टार्ट किया है हम लोगों ने जाना कि केमिस्ट्री में तीन पोर्शन होने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में आपके न्यूमेरिकल्स रहने वाले हम लोगों ने समझा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलियन के नाम से जानते हैं मतलब विलियन हमेशा एक समांगी मिश्रण होगा संगठन एक समान रहेगा फटाफट से क्विकली रिवाइज करते हैं फिर हमने देखा कि समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग में संगठन एक समान होता है ये विलियन का मेन गुणधर्म है आपका विलियन के अंदर वो अवयव जो सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज्यादा है उसे हम लोग विलायक कह रहे हैं जो कम मात्रा में उपस्थित है वो विलय है विलय एक से ज्यादा हो सकते हैं बट विलायक हमेशा एक ही होता है उसके बाद हमने ये जाना कि हमें हमेशा एक संबंध चाहिए होता है हमारे विलय और विलायक की मात्राओं में और उस संबंध को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चा उसको हम लोग सांद्रता के पदों से जानते हैं सांद्रता के पदों में हमने समझा सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत बेसिकली द्रव्यमान प्रतिशत ये बताता है कि कितना विलय उपस्थित है हंड्रेड ग्राम विलियन में सही है कितने ग्राम विलय उपस्थित है हंड्रेड ग्राम विलियन में फॉर्मला आपके सामने आयतन प्रतिशत हमने सवाल किया आयतन प्रतिशत ये बताता है कितने विलय उपस्थित है हंड्रेड एम एल विलियन में यह बताता है आपका आयतन प्रतिशत आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या बताता है कितने ग्राम विलय उपस्थित है हंड्रेड एम एल विलियन में तो द्रव्यमान प्रतिशत में ग्राम ग्राम आयतन में एम एल एम एल और वेट वॉल्यूम में द्रव्यमान आयतन में ग्राम और एम एल रहता है फिर हम लोगों ने समझा कि फाइव परसेंट वेट बाय वेट का मतलब क्या है फाइव परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है और फाइव परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है मैंने आपको चीकू के सलाइन और कफ सिरप का एग्जाम्पल दिया और आपको एक होमवर्क दिया है कि आज खुद से जाकर के अपने घर में प्रोडक्ट्स को चेक करना कि किसमें वेट बाय वॉल्यूम या वेट बाय वेट का यूज हुआ है डन फिर हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए आज हम लोगों ने इतना ही किया है अगली क्लास के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपका मोल वगैरह जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास का पार्ट रख रहे हैं आपको आपकी प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी एप्लीकेशन के ऊपर भी और आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है फोर्स फोर पॉइंटों का वहां पे भी उसको आप जरूर से कर लेना और फर्स्ट क्लास है फर्स्ट क्लास हमेशा याद रहती है पहली क्लास के कमेंट्स हमेशा याद रहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको फर्स्ट क्लास कैसी लगी है ना फर्स्ट क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना चलो फटाफट फड़ से जाओ और सर की क्लास चल रही है आशा जेई वाले चैनल पे जल्दी से उसको जाके अटेंड करो बाय बाय जय हिंद टेक केयर नमस्कार